नारी किधर है बे? हाँ चल उठ अंबर तक उठ नंदी है तू शिव नंदी नंदी जग डर तुझसे कर दे बढ़ के कुछ तू अब शिव नंदी नंदी चल तू अकेला तुझसे हर मेला जो भी टकराए वो तो मिट जाए तू ही स्वर्ण कलश सिद्ध। आज के दिन मंडी में नीलामी के लिए जो माल आया है वो उच्च कोटि की मूंगफली है। आज बाजार में उसकी बोली 81 रुपए से शुरू होगी। 81 रुपए 25 पैसे मेरी भी बोली है। बोली है 81 रुपए 25 पैसे। 81 रुपया 50 पैसे। 81 रुपए 50 पैसे। मेरी बोली 81 रुपया 75 पैसे। 81 रुपए 75 पैसे। मेरी तरफ से 82 रुपए। 82 रुपए। 82 रुपए। 82 रुपए। आप उनका पीछा से अपनी हटी तो सबकी फटी मोतीलाल सूरी। अडबे 86 रुपया 86 रुपए। मेरा 86 रुपया 25 पैसा। 86 रुपया 25 पैसे। मेरा 86 रुपया 75 पैसा। आप उनका 90।
अरे प्रधान जी, अरे प्रधान जी आ गए। ए तुम बोलो। 80 रुपए। तुम्हारा? मेरा 85 रुपए। और तुम्हारा? मेरा 82 रुपए। ओ नायक जी, आपको बोली का आंकड़ा 90 से गिराकर 82 करना था तो बोली रखी गई को? ऊंची बोली बोलने में कोई खराबी है? कोई नहीं, जो भी कीमत तुम बोल रहे हो उसे तुम वसूलोगे कैसे? तेल बेच कर ही ना। तुम जानते हो हम यहाँ पर बोली क्यों लगाते हैं? किसान अलग अलग जगहों पर नहीं जा सकते क्योंकि कीमतें अधिक हैं। तेल की पेराई करने वाले कहीं और से नहीं खरीद सकते क्योंकि वहाँ भी कीमतें अधिक हैं। व्यापारी उस सामान को कहीं और नहीं बेच सकता है जो एक बार यहाँ बिक चुका हो। किसान, उत्पादन करने वाला और बेचने वाला सभी यहाँ एक साथ इकट्ठा होते हैं, इसलिए हमें एक मजबूत संघ बनाना है। एकता में ही बल है और संघ के नियम अडिग हैं। सदस्यों द्वारा लिया गया फैसला अंतिम है। जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसे इस बाजार में जगह कभी नहीं मिलेगी। महेश शुरू करो। 80 रुपए 3 आज का भाव। सब लोग कहाँ हैं? लड़के वाले आने वाले हैं। बहू कहाँ हो तुम? सुनिए, आज मैं कैसी लग रही हूँ? अगर लड़के वालों ने तुम्हें लड़की समझकर शादी के लिए पसंद कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा जाने मन? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ सोना? अरे सासू माँ, जाकर देखो कावेरी तैयार हुई कि नहीं, बुला ला उसे। जाती हूँ। तू है रानी तड़पा लाई मुझको अल्लाहू 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 अल्लाहू। देखो तो लटके झटके प्यारे इसके अल्लाहू 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 अल्लाहू। यारो देखो ये जो नाचे दिल भी मेरा खोए। डांस कर रही हो? रेडी तो तब होंगे ना जब वो आने वाले होंगे। वो नहीं आने वाले। है कोई रोकने वाला? रुकेगा? एक लड़का। कौन है वो लड़का? अरे वो लड़का लड़का ये लड़का ये लड़का क्या है ये सब? पहले टेप बंद करो। अगर वो लड़का नहीं आ रहा है तो इसी को आ जाने दो। चाइल्डहुड लव स्टोरी है मेरी। चाइल्डहुड लव स्टोरी है? पहले चश्मा उतारो, अब बताओ ना। वो जब 10 साल का था तब की बात है। क्या कृष्णा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, बड़ा सा अंडा मिलता है मुझे। किस तरह की बात कर रहे हो तुम? अगर तुम कड़ी मेहनत से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे पैसे भी कमाओगे और ऐसी बेंज गाड़ी भी खरीद सकते हो। कावेरी इधर आना। मैं ये बेंज कार खरीदने के लिए इतना ज्यादा मेहनत क्यों करूं? मतलब अगर मैं कावेरी से शादी कर लूंगा तो ये बेंज कार मेरी ही हो जाएगी ना। अरे बाप रे, ठहर तो अभी बताती हूं। सासु मां, कावेरी और ये बेंज कार दोनों मेरी होगी। ए कृष्णा, स्कूल जाने के समय पे तुम कंचे खेल रहे हो। वहाँ परीक्षा है इसीलिए तो नहीं गया। परीक्षा के दिन तो स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है। ये परीक्षा सबसे बकवास चीज होती है। गुरुजी किताबों में देखकर पढ़ाते हैं। अगर हम अपने दोस्त के पेपर में झाककर नकल कर ले तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? ए, आपको मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए, अब चलिए यहाँ से। सासू मां, क्या है? कावेरी याद करती है ना मुझे? ये लड़का भी ना। रुक, बताती हूँ तुझे। ए रुक ना। सासू माँ, कावेरी भी मेरी और वो बेंज कार भी मेरी है। हैप्पी बर्थडे। फूक मारो। फूको ना। क्या कहा? अरे फूक मारना। कौन है? भगवान, बदमाश कहीं का, तू अब घर में भी घुस आया? ए जी, लगाइए तो जरा इसको 2-4। इसको छोड़ो, इसको इतना शह देने के लिए ये जिम्मेदार है, मैं इसे है? थप्पड़ मार दिया? हाँ, मैंने उसे थप्पड़ कस के मारा था। हाँ। तय क्या हुआ? मास्टर ने मुझे कम नंबर दिए थे इसलिए उसने मारा। पोस्टमैन ने एड्रेस पूछा, उसे भी थप्पड़ मारा। और चुड़ी वाले को? उसे तो थप्पड़ जोर से मारा। उसके बाद सारे गांव के लड़के मुझसे डरने लग गए। उन लोगों का तो भगवान ही मालिक है जो देखने आ रहे। कृष्णा, टारगेट 21 कमिंग, अलर्ट रहो। बॉयज अपनी पोजीशन ले लो। चल चल। से
ए मिस्टर, मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी। मरना नहीं बॉस, मारना चाहता हूँ। तेवर दिखा रहे हो? मुझसे कुछ चाहिए क्या? चाहिए बॉस। बोलो, जल्दी बोलो। उसे छोड़ दीजिए ना बॉस। आपने कभी सुना नहीं, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, कृष्णा कावेरी। कृष्णा कौन है? आपके सामने खड़ा है बॉस। और कावेरी जिसे आप देखने जा रहे हो, वो मेरी जान है बॉस। तो तू है वो चिरकुट? मैं ही हूँ बॉस। मेरे पास तेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी, सब जानता हूँ मैं तेरे बारे में। बिल गेट्स भूल जा, उससे भी ज्यादा पैसा है मेरे पास। एक बार मेरे पीछे देख। वन सेकंड बॉस। बैक। सुन, चुपचाप निकल जा, नहीं तो खर्चा पानी दूं। बॉस, आपके लिए तो यही काफी है। इमली का बीज। ये पागल खई का। मार मुझे, मार मार ना बे, मार मार। हिट मी मैन। बच्चन, शूट। तुमने पत्थर मारा, ये चीटिंग है, चीटिंग। मैंने तुझे इससे मारा है बॉस। वन सेकेंड बॉयज, रिपीट। रुको, सब रुको। बॉस, अगर मैं अभी भी कावेरी का पीछे ना छोड़ू तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? वेरी सिंपल बॉस, इसके बाद मैं बेल के बीच से मारूंगा, फिर जामुन के बीच से, फिर आम की गुटली से, इसके बाद क्या करूंगा पता है? सीधा कटहल से ही मारूंगा। बाप रे, बॉस जाने दो बॉस, बस ऐसे जानकारी के लिए पूछ रहा था। समझ गया बॉस, मैंने कावेरी को छोड़ दिया। सो नाइस ऑफ, थैंक यू बॉस। बॉस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे कावेरी पूछे तो आप उसको ये मत बताना कि आपने मुझे एक छोटी सी इमली के बीज से मार के भगा दिया। मेरी इज्जत का सवाल है बॉस। ओके, डन है बॉस। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे जान बचा के भाग रहे यार, मुझे तो बताओ, मैं पहले मुझे बताओ। नायक, लड़की को देखे बगैर भाग गया वो। लड़के के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई है, जरूर इनमें से किसी ने ये खबर फैलाई होगी। जब तक पता नहीं लगता किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, ये तले पापड़ कहाँ रख दूँ? अरे उसे कार पे फैला दे। ब्रिलियंट जॉब, ग्रेट। इस देवी शेटी तक पहुंचना लोगों के लिए एक सपने जैसा है, लेकिन तूने मेरे पिछले 4 साल का सारा ट्रैक ढूंढ लिया, मेरा कंप्लीट बायोडाटा, मेरी इंपोर्ट डिटेल्स और एक्सपोर्ट भी। वाओ, ये अगर कोर्ट में पहुंच गया ना, नो डाउट इस देवी शेटी की लाइफ जेल में गुजरेगी। हो ना हो, कोई तो नमक हराम है जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन लीक की है। कौन है वो, बताओ मुझे। सर, इसका बाप यहां आया है। सलाम वालेकुम शौकत अली खान साहब, सब खैरियत? इरफान कैसा है, हमारा सबसे सिंसियर आईआरएस ऑफिसर। 4 दिन हो गए हैं लेकिन मेरा बेटा घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद है, कंप्लेन भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अब आप ही कुछ करिए। ये इरफान का बेटा है ना? हाँ। इसे सही तालीम देना, इसे ये मत सिखाना कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, बल्कि ये जरूर सिखाना कि क्या नहीं करना चाहिए। पापा से मिलना है, जाओ मैं ढूंढता हूं उसे। जाइए। अरे देर हो रही है, जल्दी करो, कावेरी कहाँ हो? ऐसी खड़ी रहो। रुमाल ले लो, लेडीज रुमाल, जेंट्स रुमाल, रुमाल ले लो। अरे कृष्णा दीदी आ रही है, अलर्ट। कैसा लग रहा है, राजकुमार के जैसा ना? हाँ। अरे बंदर जैसी शक्ल है। हेलो, 100 करोड़ का मालिक है ये। बाबा जी के ठुल्लू। अगर कल को रिश्ता लेकर आ जाता ना ये, तो चट मंगनी, पट ब्याह करके सब कुछ निपटा देती मैं। लेकिन इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसने? और किसने, तुम्हारे लाडले ने। अरे ये तो कृष्ण कन्हैया है, ये जो भी करता है ना उसके पीछे कारण होता है। बड़ा सीधा है ना ये, असली मर्द तो वो होता है जो मुकाबला करता है, बहादुर की तरह मूंछों पर ताव देकर डटा रहता है, लेकिन इस हाफ टिकट के साथ मुझे जो भी देखने आता है उसे भगा देता है। छी, ये कैसा हीरो हुआ? कृष्णा, ओ, ओ, ले, 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 ले। मुझे पकड़ कर। शांत हो जा। अगर ये असली हीरो होता
तो सीधे मेरे पापा के पास जाता और बहादुरों की तरह उनसे मेरा हाथ मांग लेता। लेकिन ये तो बहुत डरपोक है। क्रेश, हाँ? इंसल्ट हो रही है, तू देख रहा है? हुँ? देख, इसका पापा गोइंग गो आस्क हिज डॉटर, फिनिश द मैटर। आज कृष्णा बांसुरी बजा के ही रहेगा। जय भोले, जय भोले। कावेरी, क्या वो सच में पूछेगा? मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, डरो मत। आज जितनी स्पीड से जा रहा है ना ये, वैसे ही चलता तो मैं माँ बन जाती। अरे गौरी, पड़ोस के गांव से तेरे लिए शादी का रिश्ता आया था, क्या हुआ उसका? कृष्णा, अगर तुम हाँ कर दो ना तो मैं अपनी सगाई तोड़ के तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गई। देखा ना भाभी, इसकी नौटंकी। लग रहा है इस बार तो वो पूछ ही लेगा, ये कंफर्म है। इस बार तो गई। जय राम जी पुजारी जी, आप कैसे हैं? सारे भगवान को भोग लगाते हैं ना, पूर्णमासी कब है? वो तो कल थी बेटा। अच्छा कल थी, किसी ने मुझे बताया नहीं। ये गधा पूर्णमासी का चांद ढूंढ रहा है और इस चांद की कदर ही नहीं है। अगर प्यार करता ना तो पक्का पूछेगा। इनका रास्ता रोक दो। छुपन छुपाई आंख मिचौली, अक्कड़ बक्कड़ और बम्बे बो, 80-90 और पूरे 100, 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा। ये सभी मित्तई सूरी के आदमी हैं। बाजार में जो हुआ उसकी दुश्मनी निकालने के लिए आए थे। फटाफट पुलिस को फोन करो। ए, रुक जाओ। वर्षों लग जाते हैं इज्जत कमाने में और चुटकी में सब खत्म। आप सावधान नहीं रहे तो ये लोग आपको मार देंगे।
अगर मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ए, इन सबको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, मलहम पट्टी करवाओ और सबको पंचायत में आने के लिए बोलो। कृष्णा। हाँ, आया आया। अबे ओ खजूर, कृष्णा के आने से पहले एक पटियाला पे एक मार ले क्या? अरे नहीं, वो आ जाएगा तो। अबे नहीं पता चलेगा बे। अबे मत कर। अबे मरवाएगा मोटू तू। जल्दी पी। बच्चन। कृष्णा। सब कुछ रेडी है? आई एम रेडी। अच्छा, अचार कहाँ है? ओहो, वो तो मैं भूल गया। तो भाग के लेके आ। यस बॉस। सीताराम। सीताराम। बहुत मना किया था लेकिन उसने ही बोला। छोटा पैकेट और बड़ा। रख दे। अचार। हाँ, बना बना। हाँ, बस 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 पियो। चीयर्स। चीयर्स। क्या हुआ छुटकू? वो सर पे चढ़ गई ना। ए, पहले मैंने पानी मिलाया दारू में, फिर तूने पानी मिलाया। गुरु से उस्तादी। अरे सॉरी कृष्णा, वो है ना। एक और बोतल निकली, मजा आ गया। नमस्ते नायक जी। हाँ जी नमस्कार। ये साहब मुंबई से आए हैं, लॉयर हैं ये। आपका पता पूछ रहे थे इसीलिए यहाँ ले आए। नमस्कार। एक्सक्यूज मी, वन मोर टी विदाउट शुगर। आई एम शिनॉय फ्रॉम गोल्डन ईगल कंपनी। मिस्टर नायक, आई थिंक यू आर वेरी वेरी लकी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां गोल्डन ईगल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शेट्टी से मिलने का इंतजार कर रही हैं। किसी को जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, लेकिन मिस्टर शेट्टी ने सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट दिया है। नेक्स्ट फ्राइडे 11:30 आपकी उनसे मीटिंग है। ऑफिस लॉबी में आधे घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, सिर्फ आधे घंटे। ए! ए! पापा, वो मच्छर था। मच्छर। हाँ, तुम्हारा एमडी अगर नायक जी से मिलना ही चाहता है तो उसको यहाँ पर आना चाहिए ना। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, टी शुगरलेस है, थोड़ा सावधान रहिएगा, यहाँ मच्छर बहुत है। क्या कर रही हो? कमर के नीचे नहीं, ऊपर ही रहने दो। कमर के ऊपर हो संस्कारी, कमर के नीचे सेक्सी लगोगी। अपनी लचकीली कमर तो दिखाओ, इसको देखकर लड़के आहें भरेंगे। छी यार। क्या छी? अरे क्या कर रही हो? चल बेटी, हो आ जाना। हाँ। आ जाओ। पुल्ला रेड्डी की। हमारे पुल्ला रेड्डी की। हमारे पुल्ला रेड्डी की। पुल्ला रेड्डी की। सर यहाँ आना। बोलो भाई।
ये पुल्ला रेड्डी जब भी यहाँ आए तो जनता की भीड़ होनी चाहिए। ये सब क्या है? इलेक्शन के टाइम है भैया, जनता बिजी है। अरे अमावस्या के दिन ही ये इलेक्शन क्यों आता है बार बार? पुल्ला रेड्डी की जय! पुल्ला रेड्डी की जय! बड़े भाई, शायद आप नाराज हैं क्योंकि मैंने सिंडिकेट बैंक की मीटिंग अटेंड नहीं की। सॉरी भाई, मैं फ्री नहीं था। आज तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। कोई बात नहीं रेड्डी, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, बिजी तो रहोगे। उतना भी बड़ा आदमी नहीं बना हूँ, बस रोजी रोटी चल जाती है, वरना भूखे मरता। लेकिन कुछ लोग मेरे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं। इसकी तो किसमें इतनी मजाल की शेर के मुंह में हाथ डाले, बस नाम बताइए चुटकी बजाते ही हिसाब बराबर। ये क्या है भाई? कनपटी पे गन? हाँ। तो सब बक दिया भाई, इसने धोखा दिया, इसने अपनी माँ की कसम भी खाई थी इसने। बज रहे, फोन उठाओ। हेलो भाई, ये लोग दुकान बंद करवा रहे। अरे कौन, क्यों और कहाँ? कट कर उसको, दूसरा उठा। हेलो भाई, कोई हमारी फैक्ट्री सीज कर रहा है। अबे कौन है, कहाँ है, क्यों कर रहा है वो? बोलो ना, कट कर दे भाई, अब फोन मत उठाना वरना डिप्रेशन से मर जाएगा, क्योंकि अगले 5 मिनट में तू जीरो हो जाएगा। ये मेरा 60 साल पुराना पुश्तैनी बिजनेस था भाई, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दीजिए भाई, अगर आप कहेंगे तो मैं सच में अपनी जान दे दूं। मैं तो मजाक कर रहा था, ठोक ना देना। ऑयल सिंडिकेट में लोग मेरी जगह लेने का सपना देख रहे हैं, ये उन सभी के लिए चेतावनी है। Happy wedding anniversary, Mr. Reddy. Now get lost. ये चुपकली हमारे गांव में कैसे आ गई? We are in Holidur. This is 400-year-old market where they are extracting oil traditionally. We are bringing you complete and live details on our channel. This is Ganga with cameraman Pappu. Thank you. Rumal le lo. No, thank you. Aha. Aha. Hey, Bhagwan, ye to mera khazana lootne ja rahi hai. तुम कौन हो? गंगा। कहाँ से आई हो? मुंबई से आई हूँ। क्या करने? यहाँ शूटिंग करने आई हूँ। क्या शूट करने आई हो? यहाँ पुरानी तकनीक से ऑयल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में रिपोर्टिंग करने इस गांव में आई हूँ। ओहो बच्चन, देखो ना इसे कैसे टीन के डब्बे की तरह उठा रखा है, इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इतनी सॉफ्टली उठाया है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। न्यूज़ पढ़ते वक्त भी तुझे ऐसे ही उठा के रखे क्या? तेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन इसकी बाजू में दर्द हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ज्यादा भारी नहीं, सिर्फ 52 किलो की हो तुम। बिल्कुल सही। कैसे मान लो कि तुम रिपोर्टर हो? तो मेरा आईडी कार्ड देख लो। अच्छा तो दिखाओ। ची, कितनी बेशरम है इस बूढ़ी दादी को, इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है, बुरा लग रहा है ना आपको? नो पेन नो टियर, मेरे पोते को तो बड़े ड्रम उठाने की आदत है, पर ये तो फूल जैसी है। क्रिश, ये बम्बई की गुड़िया को नीचे उतारो। हे भगवान, इस चुड़ैल से बचाना। कितने दिन यहाँ रुकोगी? 4 हफ्ते। तुम कहाँ रुकी हो? इस गांव के प्रधान के यहाँ रुकने वाली हूँ। मेरे घर रुकी तो टांगे काट दूंगी। डोंट वरी प्यारी बेटी, तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। थैंक यू। ये क्या किया दीदी, ऐसी चिकनी मीठी रसमलाई को कृष्णा के सामने परोस दिया। बच्चन, प्लीज मेरी हेल्प करना। लो दूध। ये क्या कर रहे हो तुम, मूछों को ताव क्यों दे रहे हो? क्रिकेट मैच खेले हुए काफी दिन हो गए, आओ ना अभी खेलते हैं। अरे रे रे रे। क्या हुआ, बहुत डर लग रहा है? अरे मैं डर नहीं रही हूँ, मैं इसलिए डर रही हूँ कि हमारा मैच बीच में रुक सकता है, थर्ड अंपायर सर पर बैठा है डिसीजन देने के लिए। आज कोई भी अंपायर मुझे सेंचुरी मारने से रोक नहीं सकता। लीजिए दूध पी लीजिए। ए क्रिकेट खेले आज? जी
उम्र हो गई पर भूत नहीं उतरा क्रिकेट का अभी तक। अरे रे रे रे। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार नहीं भूलता। क्या बोल रहे हैं आप? अरे कोई सुन लेगा, चुप हो जाइए। हाँ अरे देखो, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ये पागल हो गए क्या? क्या हुआ सासू माँ? इसे अपने कमरे में आज सुला लीजिए ना। पर क्यों? हमारे कमरे में आज बहुत मच्छर है। अरे सासू माँ। क्या है बहू? आज इसको अपने कमरे में सुला लीजिए। क्यों सुला लूँ? अब हमारे कमरे में बहुत मच्छर है। हाँ, मच्छर है। हाँ बच्चन, क्या हो रहा है वहाँ पे? मैं बता नहीं सकता, कृष्णा लीला तुम खुद ही देख लो। ये क्या है? इसे बाटी कहते हैं। मैं इसे खा सकती हूँ? बच्चन, तू मिला 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 जी, खिला 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 तू मेरा सजनी, तू मेरी सजनी। मिला 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 जी, खिला 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 तू मेरा सजना, तू मेरी सजनी। इस तरह पकड़ते हैं, इस तरह डुबोते हैं और ऐसे मुंह तोड़ दूँ। वाओ, ये तुमने कैसे किया? हाथ हटा चुड़ैल। अरे तुम्हारी बहन हमारे कमरे में ताक झांक कर रही है। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तुम अपनी बहन की शादी कर दो, उसके बाद ही हम कोई मैच खेलेंगे। प्लीज। कृष्णा, ये बहुत हार्ड है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते, ऐसे खींचते हैं, सब अंदर चला जाता है। वैसे ही खिलाओ जैसे तुमने पहली बार खिलाया था। कृष्णा, मैं अपने मुंह से पकड़ती हूँ और तुम अपने मुंह से खींच लेना। मुंह से निकाल चुड़ैल। अरे कावेरी हमें देख रही है, इस उम्र में क्यों कर रहे हैं ये सब? इतना सब कुछ हो रहा है, ये बुढ़िया कहाँ चली गई? ए, इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और तुम चिल्ला रही हो? अरे नहीं, सासू माँ भी ऊपर आ रही है। आप यहाँ सो जाओ, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। अरे, 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 अरे हमारा मैच। अरे, अरे कैसा मैच, पानी बरस गया आपको। अरे बैटरी को भी अभी डाउन होना था, क्या हो रहा होगा वहाँ? कृष्णा, परमात्मा, कुछ होने मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बोल रहे हैं यहाँ के लोग? आप एक बार फिर से सोच लीजिए सर, हमारी कंपनी को किसी भी हालत में यहाँ बेनिफिट नहीं होगा सर। रिमेम्बर वन थिंग, मनी कैन बाय एवरीथिंग। तुम पैसा फेंको और तमाशा देखो, सब लोग मान जाएंगे। भाइयों, भारत के सबसे बड़े व्यापारी गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक श्रीमान देवी शेट्टी आज हमारे बीच में हैं। उनके यहाँ आने का उद्देश्य वो खुद अपने शब्दों में कहेंगे। जय जवान जय किसान। गोल्डन ईगल कंपनी मेरी ही नहीं आपकी भी है। आज से आप सभी को तेल बेचने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कंपनी आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे तक आ गई है। इस काम के लिए मैं आपकी सोसाइटी को 10 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा। आप
जो 150 रुपए में बेच रहे थे, हमारी गोल्डन ईगल कंपनी उसी को 200 रुपए में खरीदेगी। किसी को कुछ पूछना है? आपके मन में जो सवाल है उसे पूछ सकते हैं। ओए, भगवान हम सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है तो फिर पूछने की क्या जरूरत? हम सब लोग तैयार हैं, क्या बोलते हो? हम सब तैयार हैं। ए, रुक जाओ सब लोग। ओ, नंदी ब्रांड, आप यहाँ खरीदने के लिए आए हैं या बेचने के लिए? खरीदने के लिए आए हैं। खरीद कर क्या करोगे? ऑफ कोर्स बेचेंगे इसे। ओहो, यहाँ बैठे सभी लोग मालिक की हैसियत से आए, पर मुझे तुम्हारे मालिक होने पर शक है। तू ओनर नहीं लगता, ब्रोकर लगता है। ये क्या कृष्णा, तेल कंपनी के मालिक को ब्रोकर कैसे कह सकते हो? महेश भाई, आप मूंगफली खरीदते हो और उसका तेल निकालकर दुकान पर बेचते हो, लोग उसे खरीदते हैं। तुम एक मालिक हो ये सब जानते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं। हमसे खरीदेगा और किसी और को बेचेगा, तो जो बीच में आकर हमारी बिक्री को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोकर। तो आपको समझ नहीं आया, ब्रोकर या ओनर? हाँ, यही डाउट है ना तुम्हें? डाउट नहीं है, यकीन है। चलिए जाने दीजिए ब्रोकर साहब, बताइए तेल आप किस कीमत पर बेचेंगे? 140 रुपीज। हमसे जब 200 में खरीद रहे हो तो 140 में कैसे बेचोगे? ये तुम्हारी समझ के बाहर है ब्रदर। वही तो हम जानना चाहते हैं ब्रदर, कि इतने बड़े नुकसान में क्या फायदा है तुम्हारा? 60 रुपए का नुकसान, यही छोटी सी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है ब्रदर। 8 सालों से इंडिया में ऑयल के बिजनेस में मेरा ब्रांड टॉप पर है, मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमसे तेल खरीदने के बाद उसे हमारे ब्रांड के नाम से बेचोगे ना? वो इम्पॉसिबल है, ब्रांड तो सिर्फ मेरा ही होगा, द गोल्डन ईगल कंपनी, इसी नाम से तेल बिकेगा। इसका मतलब हमारे ब्रांड का बिस्तरा गुल कर दोगे। ये क्या कृष्णा, ऐसे तो हमारे सारे ब्रांड खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं काका, उसके बाद आप मालिक नहीं नौकर बन जाएंगे। क्या मतलब? पदमपुर पप्पू गोंडा का पोता परमेश्वर अब अपने ही तेल का मालिक नहीं होगा? ये आपका ब्रोकर और आप सप्लायर, गोल्डन ईगल कंपनी के सिर्फ एक सप्लायर होंगे। ओए, हम जैसे लोगों को तेल बेचते हैं ना, वैसे ही ये भी हमारा वही तेल ज्यादा कीमत पर खरीद कर लोगों को बेच रहा है, तो इसमें हमको नुकसान क्या हो रहा है? फायदा ही तो है ना? परफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, पर इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? इसमें हमारा नुकसान ही क्या है कृष्णा? नुकसान? ए सीताराम। हाँ। यहाँ क्या है कृष्णा? तुम्हारा नाम क्या है? सीताराम। पूरा नाम बताओ। सिल्क सीताराम, पूरा नाम। सिल्क सीताराम का मतलब? लगभग 30 साल पहले इस गांव में हमारी एक बड़ी दुकान थी, सिल्क साड़ी की दुकान। खानदानी व्यापार था, बहुत पैसा कमाते थे, घर पर ही बुनते थे और उसे ले जाकर अपनी दुकान में सजाकर बेच देते थे। फिर क्या हुआ? उस समय मैं लगभग 25 का रहा होऊंगा। मुंबई से एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी हमारे गांव में आई। उस टेक्सटाइल कंपनी वाले ने हमें कहा कि हम तुम्हें 20% ज्यादा फायदा देंगे। मेरा बाप लालची था, मान गया। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में... बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने अचानक से सारे दाम धीरे से दम से गिरा दिए। वो दाम हमारे लिए कम था, हम सभी बर्बाद हो गए। मेरे बाप की दुकान बंद हो गई। पर दुकान बंद क्यों की? पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नाम था तो दोबारा खोल सकते थे ना? हमारे पास जितने भी ग्राहक आते थे हम बॉम्बे कंपनी भेज देते थे, और वो लोग वापस हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? हम लोग भारी कर्ज में दब गए। फिर उसके बाद मेरे पिता ने कर्जे की वजह से प्रॉपर्टी बेच दी, और एक दिन उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। दूसरे दिन मेरी माँ ने सबके खाने में जहर मिला के खिला दिया और खुद भी खा लिया। मेरे घर में 25 लोग थे, सभी मर गए, सिर्फ एक मैं बच गया ये दिन देखने के लिए। आज भी जिंदा रुमाल बेचने के लिए। रोते नहीं सीताराम, आज भी तुम अपनी इज्जत की रोटी खा रहे हो। कृष्णा भाई, जब कोई हमारी दुकान में खरीदारी करता था तो हम लोग उसे
दो रुमाल मुफ्त में दिया करते थे। हमने ये रुमाल कभी पैसा कमाने के लिए नहीं बेचा था, लेकिन आज यही रुमाल बेचकर अपना जीवन चला रहा और घट घट के पहन रहा हूँ। कृष्णा कॉटन टेरी कॉटन रुमाल ले लो। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। मैं अपना ब्रांड नहीं बेचने वाला। नहीं, मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। अब मैं भी मरते दम तक अपने ब्रांड का मालिक रहूंगा। हम तैयार हैं। ए ब्रोकर, तू यहाँ से एक रुमाल भी नहीं ले जा पाएगा। तुमने हमारे गांव वालों का फैसला सुन लिया ना, आप निकल लो यहाँ से। कौन है? रेड्डी, पुल्ला रेड्डी। चल भौंक जल्दी। लगता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को सरकारी स्कूल के मामूली से विद्यार्थी ने मात दे दी। क्या बक रहा है? लोकल केबल टीवी से लेकर इंटरनेशनल चैनल तक जो तुम्हारी फजीहत हो रही है वो देखने लायक है। प्रख्यात बिजनेसमैन देवी शेट्टी को गांव वालों ने बेइज्जत किया। होली दुर्गा तालुका के तेल मार्केट में देवी शेट्टी को एक किसान ने ब्रोकर बोलकर अपमानित किया। अच्छा सुन देवी, मुझे एक डाउट है, अब मैं तुझे मालिक बुलाऊं या ब्रोकर बुलाऊं? कृष्णा, कृष्णा, क्या है? कृष्णा, कृष्णा, कंघी चाहिए क्या? कृष्णा, तो फिर थोड़ा पाउडर तो लगा लो कृष्णा। ये मर्दों के लिए नहीं है। ए, चुप, चुप। ए, क्या हुआ? ये वसावन चंद शेखर केशव का बेटा नागेश्वर, अब तो जवान हो गया। सो क्यूट। से चीज। कृष्णा, मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। एक सेल्फी ले लूं? लो ना। बाय कृष्णा। बाय बाय। नमस्ते दादी, सब कुछ ठीक है ना? क्या रे बंसी यादव, पुलिस तुम्हें यहाँ पकड़ के क्यों लाई है? ऐसे तूने कोई कांड कर दिया क्या? आ, वो पुरानी बातें, अब मैं मिनिस्टर हूँ, ये मेरे सिक्योरिटी के लिए है। नायक जी नमस्कार। ओहो, जनता के नेता आज खुद चल के मेरे घर आए हैं, नमस्कार। मैं आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ। नमस्ते भाभी। बेटा कैसे? हाँ बोलिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी नायक जी। सरकार वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट करने जा रही है। नायक जी, पिछले 25 सालों से आपकी अध्यक्षता में ये कमेटी चल रही है, अगर आप लोगों से कह दे वो लोग जगह छोड़ देंगे और हम दोनों आपस में जो भी लेन देन की बात है वो कर लेंगे। सरकार का आदेश है, इसलिए हम इस मार्केट का मुआयना करने आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी सहायता करें। ऑफिसर्स स्टार्ट योर वर्क।
अच्छी तरह जानते हो 30 साल पहले क्या हुआ था। 10 गांव के लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। अगर तुमने दोबारा शुरू किया, हम चुप नहीं बैठेंगे। हेलो, यहाँ गांव में कलेक्टर साहब आए हुए हैं। क्या करूँ पापा? आप हमारे घर पर आए हैं तो हम दरवाजा खुला रखें ताकि आप आसानी से हमें लूट सको और हम बाहें फैलाकर आपका स्वागत सत्कार भी करें। आप बहुत समझदार हैं और हम बेवकूफ हैं, है कि नहीं? त्योहार के दिन हमारे घर आए हो, खाना खाकर जाना। अरे क्या कर रहे हो तुम? सर्वे कर रहा हूँ मैं। पहले नीचे उतरो तो। दादी तो? दादी यहाँ आइए। अरे वो जूते पहन के चल गए। मैं बोल रहा हूँ ना, चलिए आइए। कृष्णा आइए, यहाँ पे सबका एक ही बाप है, मैं तय सूर्य। वहाँ क्या हो रहा बताओ। ये क्या बेटी, तुमने अभी तक किसी को खाना नहीं दिया? इतने सारे लोगों को देखकर डर लग रहा है पापा। क्यों डरती है मेरी प्यारी बच्ची, तेरा पापा भी है ना। देखो सब लोग को भूख लगी होगी, जाकर सबको खाना खिलाओ। हाँ जा, ठीक है। ओके। ए, रुक जाओ, मेरे दुकान में घुसने की परमिशन तुमको किसने दी? ए सूरी रुको, ये जो सर्वे करने आया इन्हें करने दो, ये अपना सर्वे करके चले जाएंगे। ओए आप जरा चुप रहो। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आप और मंत्री के बीच क्या डील हुई है? सूरी मेरी बात सुनो। कितना लिया वहां से बताओ तो। क्या बोला मैंने, रिश्वत ली है? ए हु आर यू, शट अप एंड गेट आउट। तेरी तो नदियां बह रही है। कृष्णा को फोन दो। अभी देता हूं। इतनी रात को आप लोग यहाँ, आखिर बात क्या है बताइए। हम यहाँ पर अपना गांव बचाने आए हैं। हम सब ने एक फैसला लिया है, उस पर यहाँ आपकी राय जानने आए हैं। क्या फैसला है आप सबका? थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक ने हमसे वादा किया है। मैं तो अपना तेल गोल्डन ईगल कंपनी को ही बेचूंगा। सूरी, इतिहास गवाह है कि आज तक बाहर वालों ने कभी किसानों की कोई भी मदद नहीं की। वो तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहे हैं इसीलिए उनके पीछे जा रहे हो ना। बाद में वो तुमसे तेल खरीदना बंद कर देंगे, तब तेल कौन खरीदेगा? उसके बाद तुम पर क्या बीतेगी, कभी उसके बारे में सोचा है? ओए, फिर से अपनी टांग मत अड़ा बीच में, समझा क्या? उस दिन हम लोग तेल देने के लिए तैयार थे लेकिन तुम्हारी वजह से ही रुक गए। कुछ सालों के बाद हालात और बुरे होंगे, एक साथ खड़े होकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? मैं पहले जवान था, अब तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अपने बेटियों की शादी भी करवानी है। अगर हम सब लड़ाई झगड़े पड़ गए तो हमारा घर कौन संभालेगा बताओ? जब भी कोई मुसीबत आई हम सब एक साथ खड़े हुए, लेकिन आज क्या हो गया आपको? अरे हम लोग तो साथ में हैं ही, सिर्फ आपको ये पूछने आए हैं कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो। गोल्डन ईगल कंपनी को जो लोग अपना तेल देना चाहते हैं वो लोग इस तरफ आ जाएं। तू क्या बोलता है? पैसे की लालच में कृष्णा नंदी ब्रांड कभी नहीं बेचेगा। ओ,
संघ का फैसला ही आखिरी फैसला होता है, ऐसा आपने ही कहा था ना। संघ के आदेश के खिलाफ जो जाएगा वो मार्केट में तेल नहीं बेच पाएगा। हेलो, स्वागत है आपका गोल्डन ईगल कंपनी में। आखिर कब तक चुप रहोगे तुम? कुछ तो करो बेटा। तो चल यहां से। इंसान को जिद्दी होना चाहिए पर इतने भी ज्यादा जिद्दी नहीं। हाँ सही कह रहे हो। नंदी ब्रांड को आप उनका सलाम। ईगल ईगल ईगल। जब पूरा गांव एक साथ है तो तुम अकेले क्यों खड़े हो बेटा? हेलो, दवाई पूरी तरह से नहीं गई है। अच्छा, मजबूत है वो दवाई, 20 मिनट में काम कर देगी। वो उधर ही आ रहा है। क्या हुआ सर, गाड़ी पंचर हो गई क्या? नहीं, वो धूप ज्यादा है ना इसीलिए सर घूम रहा है। लीजिए पानी पीजिए सर। क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? सर गाड़ी के अंदर आ जाइए। Thank you.
भगा इनको। हेलो, ए कहाँ है तू और ये आवाज कैसी आ रही है? नंदी, शिव नंदी, आवाज सुन के हिल गया ना? ओ, तुझे और तेरे नंदी ब्रांड को मार्केट से निकालने के बाद भी तेरी अकड़ कम नहीं हुई है ना? मेरे इरादे बुलंद हैं, पसीने की एक एक बूंद में तूफान भरा है, वैसे ही मेरा ब्रांड है। तूफान से मत खेल देवी, तू अपने पैसे और शातिर दिमाग से गांव के लोगों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बच्चे। मैं अकेला तेरे ही शहर में आकर तेरे ही मार्केट में घुसूंगा और अपना नंदी ब्रांड बेचूंगा। ए, ए, ए। तू चाहे अपने आप को कुछ भी समझ, तू कहीं का भी राजा हो, पर मैं अब इस गांव का राजा हूं। ए कैडबरीज, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं, आ रहा हूं मैं, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा।
गाड़ी आ गई, सामान उतार लो। जी। अब हैरान मत होना, ये मेरा ही घर है। आधा मुंबई इन बावर्चियों पर निर्भर है। वैसे हम कैटरिंग का काम करते हैं। कृष्णा अपना बैग देना। हाँ। ला 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 चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़। कौन हो तुम? कृष्णा। रुकमणी और सत्यभामा किधर है ये बताओ? नहीं मिलेगी। ये पूड़ियों ले जाके कप्तान को दे दो। कृष्णा। कप्तान? ए भाई, ये पूड़ियां वहां रख दो और ये पतीला पकड़ो। ये ले जाके हमारे कैप्टन को दे दो। कैप्टन? यहाँ कैप्टन कौन है? मैं हूँ कैप्टन जगन मोहन, क्या चाहिए तुम्हें? वेट ज्यादा था ना, चलो जाने दो। तुम कहाँ से आए हो? होली दुर्गा। टाइगर उस टीम में हो या इस टीम में? ये टीम क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अगर गलती से इस दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो तुम मेरी टीम में सेफ रहोगे। लगेगा जैसे अमेरिका में हो। क्या कहते हो तुम? हाय कैप्टन। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कृष्णा आओ, मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाती हूं। हे, उसकी आंखों को देखा तुमने? मैं तो आंखों के साथ सब कुछ देखता हूँ। मैं उसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। 240 पूरी, 240 पूरी, 360 इडली, 360 इडली, 180, 180। ये नारियल का पेड़ मेरे घर में चल के आ गया। दादाजी ये कृष्णा है। नमस्कार। ओह कृष्णा, गंगा ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। I'll take care दादाजी, चलो कृष्णा। आगे बताइए साहब। कैप्टन आया। 180 लंच। कौन है? कैप्टन जगन मोहन आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो। पगार चाहिए मुझे? पिछले महीने तो दिया था। सिर्फ 15,000? क्या उखाड़ूं उसमें मैं? तो कितना चाहिए था? 30,000। रोज का 3,000 गुणे 30 दिन कितना हुआ? 90,000। और पिछला एक लाख और 12 से गुणा भी करो। 12 से गुणा करने पर 10,80,000 हो गया। 10,80,000 हो गया? मतलब साल का 10,80,000 का घाटा होता मुझे। कप्तान, हर महीने 30,000 का किराया तुम तीनों लोग दो, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। घर खाली कर दो तुम्हारा? क्या कह रहे हो, हर महीने 30,000 कहाँ से दूंगा? ऊपर से उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। कभी नहीं चढ़ा के निकल लिए खुद। मेरी पगार में 150 रुपए छोड़ दीजिए। हाँ, इसके सिगरेट का भी पैसा जोड़। अब 2,000 और दे तो। 2,000 के ऊपर 63 रुपए और दो। अरे लूट लो सब। कृष्णा लो कड़क चाय। ये मुंबई सबका स्वागत करती है और उनकी अच्छी लाइफ भी बना देती है, लेकिन तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो, नामुमकिन है वो। देवी से कोई नहीं जीत सकता और ये बात सच है। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, देवी ही यहाँ का सिस्टम और सरकार है। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और नौकरी ढूंढूं कृष्णा? गंगा, ऑयल मार्केट कहाँ पर है? चीनी है ना, नमक है ना, मसाले है, क्या ही है ये? गोबर जैसा खाना खिला खिला कर मेरा पॉकेट खाली कर रहा है। गंगा। हाँ? तुम चुपचाप बाहर जा रही हो, अपने भाई के साथ कुछ खा तो लो। ये हीरो कौन है? कृष्णा अपने लिए काम ढूंढने आया। हाँ हाँ, इसे देख के लग रहा है कि ये दूसरे को नौकरी पे रख सकता है और ये काम ढूंढने आया है। बॉस 5 मिनट रुको। ए डाल रहे। हाँ। डाल। इन्हें ऑयल मार्केट तक छोड़ दो। ओके। हेलो, गाड़ी चलानी आती है क्या? जी मैं कोशिश करूंगा। हाँ। मोहम्मद अली रोड। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी बॉडी के पुर्जे निकाल के लेके जाएंगे, इसलिए खंबे की तरह खड़े रहना। कम टू गेटवे ऑफ इंडिया टुनाइट शार्प 11। ये क्या बोल रहा था बे? कह रहा था शंकर भाई अच्छे आदमी हैं।
मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो यही बात जाके गंगा को बताना है। हाँ हाँ। क्या बताओगे? यही कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत इज्जत है उसकी। स्टॉप! मैं उसका कोई भाई भाई नहीं हूँ। मैं वो ज्यादा ही शांतपति कर रहा है। चल चल। संकट से हनुमान छोड़ावे, संकट से हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दादाजी आप ऐसे रात भर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो तुम चैन से सो भी नहीं पाओगे। वो क्यों? यंग मंग चूं वो आ जाएगा यहाँ पे। वो कौन है? हम लोगों से पहले वही रहता था इस घर में, वो बिजनेस में बर्बाद हो गया, इसीलिए फांसी लगाकर मर गया। वो देखो उसकी फोटो। और उन सभी की आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। उठो सब लोग। उस खूसर से पैसे मांगेंगे तो वो चिल्लाएगा। एक आइडिया है, आज से इस घर में भूत तेल पिएगा, सब्जियां भी खाएगा, रोटियां भी खाएगा। ऑपरेशन यंग मंग चुंगे, अंडरस्टैंड? यस कैप्टन। ये तो मैं हूँ। नींद में भी गंगा गंगा। आप कौन है भाई? यंग मंग चुंग। आप यहाँ क्यों आए भाई? ये घर मेरा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ और कभी भी जा सकता हूँ। मुझसे पूछने वाला तू कौन है बे? चुपचाप सो जा, सो जा चुपचाप। क्या कर रहा है? पीठ खुजा दे मेरी। और खुजा, और खुजा दम नहीं है क्या? अरे मिल गई। कौन है तू? चंगा मंगा चुंगे। क्या देख रहा है बे? तेरी बीवी कहाँ है? चश्मिस भूत को भी नहीं छोड़ेगा क्या बे? वो क्या है ना, वो बहुत ही कड़क आइटम थी ना, उसको सिर्फ एक ही बच्चा हुआ क्या? फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। तूने किया है उसने? दूसरों की फैमिली में झांकता है, कितना इंटरेस्ट लेता है मनुष्य जाति में। सड़ के मरेगा बे। ज्यादा बकवास मत कर वरना तेरी फैमिली को प्लेन कर दूंगा, समझ गया बे? अब चल निकल यहाँ से। यंग मंग चुंगाए नमः। यस। अंदर आ जाओ दोस्त। मुंबई में कैसा लग रहा है? शहर मेरे लिए नया है लेकिन धंधा नहीं। तुमने गांव में एक सवाल किया था कि कोई 200 में तेल खरीद के 140 में बेचे तो फायदा कैसे होगा। तुम्हें उसका जवाब नहीं मिला था ना? मैं देता हूं उसका जवाब। फॉरेन में अपनी पढ़ाई खत्म करके वो खाली हाथ नहीं आया था, व्हाइट ऑयल अपने साथ लेकर आया था। व्हाइट ऑयल 30 रुपए प्रति लीटर, ना उसमें स्वाद है, ना कोई रंग है और ना ही खुशबू है। ये मिडिल ईस्ट से जहाज से गैर कानूनी तरीके से मंगाता है। मूंगफली के तेल में मिला दो तो मूंगफली का तेल बन जाता है, और खोपरे के तेल में मिला दो तो खोपरे का तेल बन जाता है। कृष्णा, व्हाइट स्वान मेरा ब्रांड, पिछले 60 सालों से मेरा फैमिली बिजनेस था, उसने उस स्वान को मरोड़ के मार्केट में मुझे खत्म करके उठाकर बाहर फेंक दिया। पैर पकड़ना छोड़, सीधा मुद्दे पे आ। मैं उसका नामो निशान तक मिटाऊंगा, उसके मुंह पर पूरी तरह कीचड़ पोतना चाहता हूं।
डील ओके है ना? कृष्णा। अरे दादाजी आप चाय लेकर क्यों आए? अरे मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ बेटा, यहाँ सब मेरे बच्चे जैसे हैं। ये लो चाय पी लो। ला दे, मेरी बारी है। मेरी बारी। तुम सब यहाँ गोटी खेल रहे हो, खाना नहीं बनाओगे क्या? हमें भी खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन तेल खत्म हो गया है। इतनी जल्दी तेल खत्म हो गया? पिछले हफ्ते तो लाया था। अब खत्म हो गया? तुम कहो तो सब्जी में पानी का ही तड़का लगा दें। तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो इससे अच्छा मैं चेन्नई वाले होटल में जाके सुसाइड कर लेता हूँ। खुशी पटाके यहाँ से गया ना, दूसरी जगह काम नहीं मिलने वाला तुझे। जाओ तैयारी करो, तेल लेके आता हूँ मैं। इस भूषण मुंडे को ऐसे ही इधर उधर घुमाते रहो। दादाजी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा मैं खाना बनाने का तेल लेने। आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। कृष्णा तुम्हारे पास इतने सारे तेल के डिब्बे और तुम मुझे 5 लीटर देने में झिझक रहे हो, क्यों तुम मुझे नहीं दोगे? ऐसी बात नहीं है दादाजी, यहाँ तो तेल के सिर्फ 100 ही डिब्बे हैं। मेरे गांव में तो 2 ट्रक भरे हुए खड़े हैं। अगर 5-5 लीटर बेचूंगा तो मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा? कृष्णा संख्या की शुरुआत तो हमेशा शून्य से ही हुई है। बूंद बूंद से नदी बनती है और फिर सागर का निर्माण होता है। एक काम करो, तुम 5 लीटर के बदले मुझे 1 टिन दे दो, मैं तुम्हारी बोनी करता हूँ। लो। अरे पैसे नहीं चाहिए दादाजी, आप ऐसे ले लीजिए। व्यापार में बोनी मत खराब करो। लो। ऑयल मार्केट में शॉप नंबर 32 है, शौकत अली मिलेगा, वो मेरा पुराना दोस्त है। उसको जाके मेरा नाम बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जी बिल्कुल। काम खत्म करके शिवाजी महाराज के सामने खड़े रहना। हाँ ठीक है। भैया कौन है रे तू? कौन परमिशन दिया तेरे को अंदर आने को? शॉप नंबर 32 में जाना है मुझे। ओ कर्नाटक से है तू? ए बात कर रहे इससे? तुझे छोटा मोटा व्यापार लग रहा है, पानी पूरी का छोटा मोटा धंधा समझा इसे। ऑयल बिजनेस है ये। ऑयल एसोसिएशन परमिशन है क्या? फूड अथॉरिटी परमिशन? यूनियन परमिशन? ISI परमिशन है क्या? नहीं है। इन सब की परमिशन लेने के बाद भी तुझे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ गया? हट बे साले। सर लात मत मारिए, नंदी हमारे भगवान है। क्या नंदी भगवान है? तेरा होगा, हमारा भगवान नहीं है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हाथ लगा के दिखाए, यहीं तुम सबकी कब्र खोद दूंगा। Go! Go!
तुम यहाँ तेल बेचने आए हो या लोगों का तेल निकालने आए हो? तुम्हारा ही नाम कृष्णा है ना, वो सदाशिव हेगड़े ने भेजा है ना? मेरा ही नाम शौकत अली है, शॉप नंबर 32। यहाँ पर प्यार मोहब्बत की भाषा भी कोई नहीं समझता है और तुम सीधे मारपीट कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल है भाई, अल्लाह के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुनो भाइयों, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। खुदा के लिए मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। भैया भैया, इस जगह पर मैं गोलगप्पे बेच रहा हूँ भैया, इस जगह से चले जाओ भैया। अरे भाई, आप इधर रुक गए तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? आगे जाइए। हाँ, जाइए। भैया भैया रुको भैया, ये ट्रॉली हमारी है भैया, दे दो भैया। तो बड़ी जल्दी सड़क पर आ गए। फोन पर तुम्हारी बात सुन के लगा था तुम यहाँ आके आधा मार्केट ही खरीदने वाले हो, पर तुम्हें तो यहाँ पैर रखने लायक जगह भी नहीं मिली। वेस्ट हो गया ना सब कुछ। इस देवी के आशीर्वाद के बिना तुम इस मुंबई में तेल की एक बूंद तक नहीं बेच पाओगे। कैसे कमाएगा तू? भूखा मर जाएगा। अब वड़ा पाव खाएगा? मुझे ब्रोकर बोलकर मेरी बेइज्जती की थी ना? अब इस जगह अपने हाथों को जोड़कर यहां सबके सामने आई एम सॉरी मुझे बोल। लेकिन तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा। आई लव चैलेंजेस। इन सबको तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। ये सब लोग यहाँ पर तुमसे ही मिलने आए हैं, ये सारे लोग तुम्हारे फैन हो गए हैं। आओ आओ। क्या हुआ दादाजी? ये है माधव रेड्डी, मालम अय्यर, शंभू नायर, जॉनी राजा और ये हैं करतार सिंह, सिद्धप्पा चटर्जी। ये सभी लोग अलग अलग स्टेट्स में कैटरिंग का ही काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। आज के बने हुए खाने की इनके ग्राहकों ने इनसे बहुत तारीफ की। लोग सोचते हैं कि आज का खाना ही बहुत अच्छा बना है, लेकिन हम जानते हैं कि खाना क्यों अच्छा बना है। ये सब तुम्हारे खाने के तेल का कमाल है। और इसीलिए ये सारे लोग नंदी ब्रांड के तेल को खरीदने आए हैं। तुम बात कर लो। ये अन्याय हो रहा है। आए, तेल ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसे यूज करने वाला कैप्टन इम्पोर्टेंट है? अगर मैं खाने में सिर्फ तेल डालता, मसाले नहीं डालता, तो ये सब खाकर टॉयलेट भागते रहते और सबको ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ जाती है। सिर के हजार में बताओ उनको। नहीं रुकूंगा। अच्छा छोड़ दिया क्या? देख रहे कृष्णा, और सारे डब्बे यहाँ ले आ और शुरू कर अपना व्यापार। जी दादा जी। अबे रुक, कहाँ जाएगा आज तुझे? अरे रुक, क्यों, क्या हुआ? कृष्णा भाई, 100 रुपए मोबाइल का रिचार्ज कूपन खरीदा था और इस कैप्टन ने उस कार्ड को स्क्रैच करके इसने अपना मोबाइल रिचार्ज कर लिया है। खुद ही देख लो ना। पर ये स्क्रैच कहाँ हुआ है? अरे कृष्णा भाई, मैं भी हर बार यही सोच के इसको स्क्रैच करता हूँ, लेकिन ये कैप्टन ऑलरेडी इसको यूज कर चुका होता है, फिर बड़े प्यार से उसको वैसे ही चिपका के ठीक कर देता। तेरी तो
कैप्टन। मैंने बुलाया कैप्टन। अब ध्यान से सुन कैप्टन, आज से शंकर के मोबाइल का रिचार्ज तुम करवाओगे। हेलो। हाँ गंगा। हेलो कृष्णा। कावेरी देवी शक्ति के वकील के साथ बाजार की तरफ जा रही है। हेलो। तुम्हें सुबह से नहीं देखा हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं काव्या के घर आई हूँ। उसे बेबी हुआ है ना, उसे देखने आई थी। और अब? अब वापस आ रही हूँ। भूख मारो ना, खाओ और इनसे भी खा लेना। कैसी है मेरी काव्या? और बच्चा? लड़का है या लड़की? लड़की। ओ, जब से आई हो उदास सी लग रही हो। घर की याद आ रही है क्या? पापा की याद आ रही है या फिर यहां पर तुम बोर हो रही हो? मुझे माफ कर दो कृष्णा, मैं अपनी सहेली के घर नहीं गई थी, देवी शेट्टी के ऑफिस गई थी। गांव वालों ने तुम्हें भला बुरा कहा तो तुम सब छोड़ के इस शहर में तेल बेचने लगे और वहां पर पूरा गांव तबाह हो गया। तीन जवान बेटियां हैं तेरे घर पर और तू बेवकूफी कर रहा था? अगर कोई परेशानी थी तो मुझे बताना था ना। लेकिन मैं आपको क्या मुंह दिखाता मालिक, अगर ऐसे ही चलता रहा। जो तेल खरीदा था उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला, अब तो हम बेचने के लायक भी नहीं रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी। हाँ। नहीं, गांव वालों की समस्या सुलझाने के लिए पापा ने अपनी पूरी संपत्ति गिरवी रख दी और माँ ने भी अपने पूरे गहने बेच दिए। इन सारे टेंशन की वजह से पापा सिगरेट पीने लग गए। ये सारी समस्या सुलझाने के लिए मैंने देवी के लॉयर को फोन किया। मैं कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, पर सजेशन दे सकता हूँ। अगर तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए तो तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा। ओके? ठीक है। सिट डाउन, टेल मी। हमारे सारे गांव वाले बहुत मुसीबत में हैं। भगवान के लिए तेल खरीद लीजिए। मैंने मंगाया था ये, जाओ यहाँ से। नो नो, यू सिट डाउन, प्लीज बी सीटेड। देखो, ये अच्छा है कि तुम अपने गांव के बारे में सोचती हो, लेकिन उसने जो किया वहां सैकड़ों लोगों के सामने, इस बिजनेस टाइकून ने, इस देवी शेट्टी को ब्रोकर कहा, क्या उसे मैं ब्रोकर लगता हूं? हाँ, कोई बात नहीं, आई टोल्ड हिम, बस एक बार मुझे सॉरी बोल दे। पर उसने मना कर दिया। Now imagine, अगर वो उन गांव वालों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैंने भी तुम्हारे गांव का ठेका नहीं लिया। बस उसे बोलो एक बार सॉरी बोल दे, समझाओ उसे, टेल हिम, मुझे एक बार बस सॉरी बोल दे, उसके बाद मैं तेल खरीद लूंगा। अगर मैं उसके पैरों में गिर के माफी मांगूंगा तो गांव वालों की सारी परेशानी खत्म, यही चाहता है ना वो देवी? नहीं,
मेरा कृष्णा उस नीच के सामने अपना सर झुका, ये मंजूर नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कल ही चली जाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। जो बेंस कार में घूमती है और जो सोने के चम्मच के साथ पैदा होकर इतना त्याग कर सकती है, तो मैं तो साइकिल चलाने वाला आम इंसान हूं, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। रुको, किससे मिलना है? अपॉइंटमेंट है क्या? जाके कहना कृष्णा आया है, अपॉइंटमेंट दे देगा। काम क्या है ये बताओ। देवी शेट्टी से माफी मांगने आया हूं। यहाँ कृष्णा कौन है? हमारे एमडी से सॉरी बोलने तुम ही आए हो ना? जूस पीकर ऊपर आ जाइए। नो थैंक्स। वापस चलते हैं ना कृष्ण। पहले अंदर तो चलो। बोलो, क्या मदद करूं तुम्हारी? मैं यहां सिर्फ अपने गांव वालों के लिए आया हूं, बाकी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो उसकी सजा पूरे गांव को क्यों दे रहे हो? अगर मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है तो मुझे माफ कर दो, पर उन लोगों का तेल खरीद लो। अभी थोड़ा मजा आया ना? वेरी गुड, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। एनीवे, आई एम हैप्पी। यहां ऐसे माफी मांगोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। माफी उनके सामने मांगो जिनके सामने मेरी इंसल्ट की थी, मजा तब आएगा। लुक लुक, तुम्हारा प्यारा कृष्णा मुझसे सॉरी कहने आया है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे गांव को पाल सकता हूं। कृष्णा, तुम्हारे गांव वालों के लिए मेरे पास बहुत सारा रोजगार है। गारमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, ईंटों की भट्टी लगाऊंगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तुम्हारे पूरे गांव की तेल मिल बंद। तेल की कोई मिल नहीं खुलेगी। बाकी कोई भी काम करो मैं मदद करूंगा, लेकिन तेल मिल नहीं खुलेगी। आओ। यहां आराम से बैठो। ए ब्रोकर, अभी जो तूने तुरतुरी बजाई है ना, ये मैं अपने गांव वालों को पहले ही सुना चुका हूँ। तू उनके काम ठप कर देगा, उनके ब्रांड हड़प कर उन्हें भिखारी बना देगा। हा? क्या करेगा बे, ये गांव वाले बहुत भोले होते हैं, तेरी चालबाजियां वो नहीं समझेंगे, लेकिन अब तेरी बकवास सुनने के बाद वो सब तुझे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तुझ पर तरस आ रहा है रे, घूर क्या रहा है बे? गांव वालों के रिएक्शन देख। आज तक मैं अपना तेल तेरे ही मार्केट में बेच रहा था, लेकिन आज के बाद मैं इन गांव वालों का तेल भी बेचूंगा। ए दल्ले, जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। सॉरी बोलो वरना जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हम हुल्ली दुर्ग वाले जब अपने पे आते हैं तो किसी के बाप की नहीं सुनते। सीधा फोड़ डालते हैं। You bloody Indian, you! इंडियन मत बोल, भारतीय बोल। कोई पानी मांगे तो हम उसे जूस पिलाते हैं। अगर तूने मेरे गांव और मेरी जन्मभूमि पर गंदी नजर डाली तो चीर दूंगा। hey! डॉक्टर कहता है कि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तेरा तो वैसे ही बढ़ गया बे। हम तेल निकालना जानते हैं, अब चाहे वो नारियल का तेल हो या तुझ जैसे सुअर का। तेरी भलाई इसी में है कि सुधर जा, वरना सुधार दूंगा मैं। कम स्वीट हार्ट। यही 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 तो है बॉस, कावेरी लेके चला देखो बड़ा बॉस।
सभी तो माने इसको सबसे तगड़ा बॉस। यस बॉस, ही इज बॉस। चुकंदर 12 किलो, 12 किलो, शिमला मिर्ची 3 किलो, शिमला मिर्च 3 किलो, 2 किलो भिंडी, 2 किलो भिंडी। काका जी, हाँ, कृष्णा से मिल लूं? कृष्णा किचन में जाकर मिल लो। हाँ। कृष्णा जी तुम कहाँ हो? उधर मुंबई के सबसे बड़े और खतरनाक डॉन की बैंड बजा दी और यहाँ बैठ के आलू के चिप्स तल रहे। भाई मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। रेड्डी, मेरे बारे में मत सोच, हर कोई नहीं समझ पाता। बता क्यों आया? बिजनेस डील। उस दिन सुपारी दे रहा था और आज बिजनेस डील करने आया? कृष्णा, सीरियस मैटर है, कॉमेडी मत करो। चल बोल। कृष्णा, बाजार में तुम्हारे ब्रांड की जबरदस्त मांग है। डिब्बे वाले के साथ मिलकर तुमने जो अपना धंधा बढ़ाया है, आज तुम चाहो तो अपनी खुद की बड़ी सी कंपनी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? तुम्हारे इस ब्रांड पर ISI की सील नहीं है। अगर इस पर वो सील लग गई तो देखते ही देखते पूरे मार्केट पे कब्जा कर लोगे। अब तुम्हारे गांव चलते हैं, वहां जितना भी तेल है वो हम खरीद लेते हैं, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। कृष्णा प्लीज मान जाओ ना। इस गोल्डन ईगल कंपनी को हम दोनों मिलकर बर्बाद करेंगे। हेलो दादी माँ, कल कृष्णा गांव वापस आ रहा है अपने नायक जी से तेल खरीदने के लिए, उनको बता देना। ठीक है, बता दूंगी। हेलो हेलो, मैं कृष्णा की दादी जेमा बोल रही हूँ। क्या हुआ जेमा? कल ना मैं और मेरा पोता तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे घर पे आ रही हो, लेकिन किस लिए? तेल की बात करने। क्या बोला? हे भगवान, इस बहरी को सुनाई नहीं देता। अब तेल लेने, अरे कुछ खास बात करनी है। नायक, कल सुबह सुबह कृष्णा जेम्मा हमारे घर आ रहे हैं शादी की बात करने। भाभी। बोलो भाई, इसमें चले? इसमें? उसमें? उसमें। ये क्या भाई, वो तो मेरे दादा के जमाने की गाड़ी है। मैंने यहाँ सारे लेटेस्ट मॉडल मंगवाए। रेड्डी, बेंस गाड़ी का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, उसी में जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा था ना, खटारा गाड़ी है। जय हो प्रभु जी। क्या खूबसूरत गांव है। रेडी, मुझे लगता है कि इसकी बैटरी वीक हो गई है। मैं स्टार्ट करता हूँ, तू धक्का मार। दिमाग खराब है क्या? अच्छा तो तू स्टार्ट कर, धक्का मैं मारता हूँ। मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा तुझसे? अरे भाई दया करो, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। क्या बे, तुझे ड्राइविंग नहीं आती? धीरे धीरे धीरे, कोई सुन लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। लो कर लो बात, एक काम करो। तुम धक्का मारो। मैं? हाँ। ओए, झुक के क्या कर रहे हो? बैल आने वाला है, तुम्हारी लग जाएगी। ए, हेल्प करना। मुझे क्या देगा? क्या चाहिए बोलना। कोट। कोट लेगा? ले, अब मार धक्का। ओके। मारना जोर से। कृष्णा। ओके बाय। मैं नहीं आता, तू आ। अरे रिवर्स गियर में डालना, गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। ए, इस गाड़ी ने सिर्फ आगे जाना सीखा है, पीछे कभी नहीं जाती। अगर ब्रह्मा भी आ जाए ना तो भी मैं आगे नहीं आऊंगा।
तू ही पीछे आ। अब तेरे ब्रह्मा तो नहीं आएंगे लेकिन तू दौड़ के जरूर आएगा। क्या? पलट के देख। और जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ? तेरा कोट कहाँ है रेडी? यहाँ के मजदूर तो बहुत ही कॉस्टली हैं कृष्णा। कृष्णा भैंस भी बैठेगी क्या? मैं नहीं उतरूंगा, बिल्कुल नहीं उतरूंगा। अरे ठीक है कृष्णा, अरे कृष्णा सुन, अरे जवाब तो दे। रुक जा। क्या हुआ कृष्णा, गाड़ी बंद हो गई? हाँ, क्या बंद हो गई? कहाँ जा रहे हो तुम? नायक जी के घर। खटारा जोड़ के रामप्यारी ले जाओ, ये लो। अब क्या है, क्या बोलना चाहते हो? आ जा बैठ जा। भाई मैं नहीं। क्यों, साइकिल पे बैठना नहीं आता? वो मुझे पाइल्स है और यहाँ का रास्ता भी टेढ़ा है। आगे? आगे नहीं है, पीछे है। ये नहीं है जो मैं बोला था है? आगे क्या करना है? तुम एक काम करो, अकेले गाँव जाओ, मैं फोन करके गाड़ी ठीक करवाता हूँ। तुम जल्दी से तेल ले आओ। ठीक है, तू यहीं पे मजे ले। लेकिन तेल लाना मत भूलना। ये साइकिल पे आ रहा है, हीरो है वो, ये उसका स्टाइल है। ये लोग आरती क्यों उतार रहे हैं? जय माँ, मतलब की बात बोलो ना। माँ रुको, गांव वालों को आने दो। गांव वाले क्यों आ रहे हैं, पार्टी वार्टी है क्या? उनके पास भी तेल है ना, इसलिए बुलाया है। ठीक है ठीक। नमस्ते कृष्णा। सभी लोग आ गए हैं। जय माँ, किस लिए आई हो बताओ ना। माँ रुको, पंडित जी को भी आ जाने दो। ए दादी, पंडित क्यों? वो सभी शुभ मुहूर्त देखकर ही हमें तेल देंगे। ठीक है ठीक है। नमस्ते नमस्ते, मुझे आने में देर हो गई, क्षमा कीजिए। सभी गाँव वाले आ गए, पंडित जी भी आ गए ना। जय माँ अब तो बता दो ना। मैं और मेरा पोता आप लोगों से कुछ मांगने आए हैं। विनती है कि मना मत कीजिएगा। कैसी बात कर रही, जब सब लोग तैयार हैं तो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ए दादी ये चल क्या रहे? तेल लेना है। लेकिन यहाँ तेल में कुछ काला है। अरे शर्माओ मत, खुल के बोलो। बोलो ना बेटा। हाँ बोलो बोलो। हाँ। ना बोल दो ना। मुंबई में मैंने बिजनेस शुरू किया, अच्छा चल रहा है। गांव वालों का तेल खरीद लोगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा कावेरी ने कहा। अगर आप सभी सहमत है तो सारा तेल मुझे ही दे दीजिए, मैं मुंबई में बेचूंगा। हमें लगा था कि तुम अपनी शादी की बात करने आए हो, लेकिन तुम यहाँ गांव वालों की भलाई की बात करने आए हो। गांव वालों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें आज भी उनकी परवाह है बेटा। कृष्णा कृष्णा सुनो, दीदी ने कहा है कृष्णा से कहना कि वो चुपचाप घर के पीछे आ जाए। तुम बिजनेस के लिए आए हो? सही कहा। और मेरा क्या? तुम्हारे लिए भी। पूछने में डर रहे थे। मैंने वो बड़ी गाड़ी और कावेरी को तभी बुक कर लिया था जब मैं 5वीं में पढ़ता था। तुम्हारे पापा तुम्हें मेरे अलावा किसी को नहीं सौंपेंगे। हेलो, यहाँ सब गांव वालों को लग रहा था कि तुम शादी की बात करने आए हो। हेलो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कब मुझे शादी की बात करनी है और कब बिजनेस की। सुनो भाइयों, अगर मैं अपना तेल इसे बेचता हूँ, इसके नंदी ब्रांड का छोटा सा लेबल चिपकाऊं, तो आपको कोई एतराज तो नहीं? कौन बोलने वाला है, लगाओ ना। अब क्या लेने आया तू भाई?
इसे हम सबने अकेला छोड़ दिया था। ये अकेला ही मुंबई गया और तेल बेचकर हम सबकी इज्जत बचाई। छोटा सा स्टिकर नहीं, बड़ा स्टिकर लगेगा। नंदी हमारा भी भगवान है। आज से हमारा एक ही ब्रांड नंदी ब्रांड रहेगा। लेकिन एक शर्त पर, पहले ये अपने को माफ कर दे तभी मैं इसको अपना ब्रांड दूंगा, वरना नहीं दूंगा। जा तू भी क्या याद रखेगा, माफ किया तुझे। सर, रेड्डी कृष्णा से मिल गया है और तेल खरीदने गांव गया है। अगर वहां से तेल आ गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब खेल में मजा आ रहा है, खेलने दो उसे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। अब्बा सलाम। जीती रहो, बैठो। नमस्कार सर। तुम भी बैठो। अब्बा ये कृष्णा है, मुंबई में ये। हाँ जानता हूँ, मार्केट में देखा था इसे। आपके बेटे इरफान अली ने ऑयल माफिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी, गंगा ने मुझे बताया था। उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? जिस कंधे पर बिठाकर बेटे को बड़ा किया था उसी कंधे पर उसका जनाजा भी उठाया था मैंने, और जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं है मुझमें। अब्बा दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहां से। जो सच को दफन कर दे ऐसी कोई कब्र नहीं बनी सर। ये क्या नाटक है, सभी डिब्बों पर नंदी चिपके हुए हैं। इतना ही नहीं कैप्टन, हमारे इस गोडाउन में 12,000 टीन के डिब्बे हैं। सुपर, यहाँ से 4 डब्बे ले चलते हैं, उसे बाजार में बेचकर फॉरेन स्कॉच कटेंगे सब लोग। उठा 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 उठा। लुंगी उठा के पेंदी रखने में बड़ा मजा आता है, ठंडा ठंडा। कैप्टन क्या है? इसमें मेरा हाथ चिपक गया। क्या गधा आदमी है ये भी, ए हाथ छुड़वा। अरे रुक। कल ये मुंह कैसे धोएगा? मुंह बंद कर घोड़े, हंस क्यों रहा है बे? मैं इसको देख के नहीं हंस रहा है, मेरे को आपको देख के हंसी आ रही है। अरे क्यों बे? क्योंकि तुमने अपनी लुंगी उठाई और डब्बे पे बैठ गए, आपको तो चड्डी पहनने की आदत भी नहीं है। तुझे भी पता है। अबे वो टीन अलग है, ये टीन अलग है। जरा उठ के दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। उठो उठो। अबे ये तो चिपक गया बे, अबे निकाल बे। अबे मुझे नहीं बे, डब्बा निकाल बे। अरे 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 फंस गया। आप बोल रहे थे कि मैं अपना मुंह कैसे धोऊंगा, आप पिछवाड़ा कैसे धोगे? नाइस जोक की पड़ी है, ये सोच निकलेगी कैसे? ये कॉमेडी का टाइम नहीं है बे, जा उस बटले को ढूंढ के ला जा। आओ बेटा आओ। क्या बे? उस बेचारे का हाथ उसमें चिपक गया है, अगर तुम उसका हाथ उसमें से छुड़ा दोगे तो तेरे इस गणपति को कुछ खिला दूंगा। उसके हाथ का जाने दो, अपनी तशरीफ के बारे में सोचो, सुबह कैसे करोगे और भूखे कैसे। भगवान कसम मैंने कुछ नहीं बताया कैप्टन, ये खुद ही जान गया। ए अमिताभ बच्चन, इससे अपनी पेंदी छुड़ाने का कोई सलूशन बता दे। सलूशन की वजह से चिपक गए, सलूशन तो मैं छोड़ा नहीं सकता, काशी के पास जाओगे तो तभी कुछ हो सकता है। काशी मेरा अपोजिशन पार्टी वाला। काशी 160 इडली, 140 पूरी, 150 वड़ा, 520 डोसा, 620 क्या सिंसियरिटी है, क्या सिंसियरिटी है काशी, जरा इस तरफ मुंह कर भाई। नमस्ते कैप्टन, इस समय मेरे इस बच्चे ने एक बेवकूफी कर दी है, टीन उठाते समय हाथ उसमें चिपक गया। अब देख हम सभी साथ में काम करते हैं ना, तो इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, तुम बस इसे छुड़ाने का सलूशन बता दो, ये जान जाएगा तो खुद ही छुड़ा लेगा। उसके हाथ की बात छोड़, तू अपनी डिक्की के बारे में सोच, अगर ऐसी चिपकी रही तो कल सुबह कैसे जाएगा। सलूशन क्या इसका? सलूशन तो शंकर को पता है।
शंकर। गंगा। अबे गंगा कोई उबर कार नहीं है जो तेरे बुलाने से चली आएगी। जगन मोहन आया है, उठ जाए मेरे भाई। कौन है? मेरी पेंदी लेंदी हो गई है, गलती से इस पे बैठ गया था। हेल्प मी प्लीज। ए, गंगा को बुलाओ। नहीं नहीं। अबे गधो सो जाओ। क्या सर आप जाग रहे हैं? अरे मैं तो रोज ही जागता हूँ जब तू दारू के लिए तेल चुराया करता है। अब उसी दारू से छुड़ा ले अपने आप को, इसी वजह से तेरी इस महीने की सैलरी कट। जब तेरा उस डब्बे से पीछा छूट जाए तो आके मेरी पूरी पीठ खुजा देना। हाँ बोल रेडी। हेलो भाई। छपाई चल रही है, सील मिल गई ना? हाँ 12 बजे तक मिल जाएगी, उसी के इंतजार में हूँ। मेरे भाई कल से तुम हर तरफ राज करोगे, नंदी एम्पायर। इंतजार करो, जल्दी बताता हूँ। इस वक्त को भाई हमेशा याद रखना, बुरा समय अब खत्म हो चुका है। क्यों सब क्या हुआ? नंदी तेल कंपनी यही है। नंदी ब्रांड के ओनर तुम ही हो? हाँ मैं हूँ। वेयर हाउस किधर है आपका? हेलो हेलो, आखिर हुआ क्या है? ऐसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ऐसे पता चला तुम्हारे ऑयल में केमिकल है। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये कृष्णा ऐसा नहीं है। दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। गंगा को फोन करो। गंगा तेरे जैसा कोई बेवकूफ नौसिखिया ही इस मुंबई के मार्केट में पैर रखने की हिम्मत करता है। पैदाइशी राजकुमार है, किंग ऑफ मार्केट, इनकी ठाट तो देख। अब ये लोग तुझे यहाँ के कोर्ट नंबर 82 में लेके जाएंगे। वहाँ का जज है पट्टा भेरा। अगर सबूत सच है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, सीधे जेल में जाएगा। लॉयर प्रताप सिन्हा को इतना खिला दिया है कि तू कितना अच्छा आदमी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हैप्पी जर्नी। आई लव चैलेंजेस। योर ऑनर, ISI के सर्टिफिकेट के लिए नंदी ब्रांड कंपनी ने अप्लाई किया था। उस नंदी ब्रांड ऑयल में 40% लिक्विड पैराफिन पाया गया। ये लैब रिपोर्ट्स है योर ऑनर, ये है इसके टेस्ट रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, देख लीजिए। लिक्विड पैराफिन योर ऑनर एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है। यदि इस तेल का इस्तेमाल लड़कियां करें तो वो समय से पहले ही मैच्योर हो जाएंगी। योर ऑनर ये कहना चाहता हूं मैं, लड़कियों के अलावा ये आम लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर, शुगर हो सकता है, एंजाइटी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती है। योर ऑनर हम जानते हैं कि गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, लेकिन ये नहीं है। इस तरह से जहरीले तेल बेचने वाले कटघरे में खड़े जहरीले इंसान को, नंदी ब्रांड के मालिक कृष्ण को, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे छोड़ा ना जाए, यही मेरी इस न्यायालय से गुजारिश है योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तेल मिलावटी है, आप ये मानते हैं? हाँ मानता हूँ सर। लिक्विड पैराफिन कितना जहरीला होता है इसका अंदाजा है आपको? जी बिल्कुल। जानते हुए भी ये अपराध करने की हिम्मत कैसे की आपने? ठीक है, अब इस पर बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपने बचाव के लिए कोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं? सर आपके रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो सब बिल्कुल सच है, वो तेल मिलावटी है ये भी सच है, लेकिन एक झूठ है सर, वो तेल का पैकेट मेरा नहीं है।
ये पैकेट उस फेमस बड़ी कंपनी का है जो लाखों लोगों को अपना तेल बेच रही है, और इत्तेफाक से उस कंपनी का मालिक हमारे देवी शेट्टी जी हैं। वो देखिए वहां बैठे हैं। नो योर ऑनर, ये केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। इस केस का देवी शेट्टी से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। अगर इससे संबंध नहीं है तो क्या वो यहाँ 2020 का मैच देखने के लिए आए हैं? सर, आपके पास एक रुपए का सिक्का है? क्यों? उस तेल के पैकेट को जरा उस सिक्के से स्क्रैच करके देखिए। वो क्यों, कोर्ट में तमाशा करना चाहते हो क्या? आई एम सॉरी सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ लो। सर, मुझे कहीं भी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरा तेल प्योर है। मुंबई में 120 डब्बे वाले रोजाना 5,00,000 लोगों को खाना खिलाते हैं मेरा ही तेल इस्तेमाल करके, आप पता कर सकते हैं सर। इतना ही नहीं सर, इस कोर्ट के कैंटीन में मेरे ही कंपनी के ब्रांड का तेल यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। सर, हम गांव वालों को सिर्फ पैदा करना आता है, मिलावट करना नहीं। यदि आपको अभी भी शक है तो यही जांच करवा लीजिए। अगर मेरे तेल में आपको 1% की मिलावट मिली तो अगर आप मुझे फांसी की भी सजा देंगे तो मुझे मंजूर है। हेलो, हमने सुपरमार्केट से कल जो तेल खरीदा था ना? हाँ जी, 2 लीटर गोल्डन ईगल का। हाँ, वो दोनों पैकेट लेकर तुम अभी तुरंत कोर्ट में आ जाओ। आते वक्त 115 में जो केपी पाटिल रहते हैं ना, उनको भी साथ में लेकर आना। ठीक है। हेलो मिस्टर देवी शेट्टी, कोर्ट की कार्यवाही चलने तक आप बाहर नहीं जा सकते और ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हैं। सिट डाउन, सिट डाउन। सर प्लीज बैठ जाइए प्लीज। नमस्कार सर। रिटायर होने के बाद तुम अपना काम तो नहीं भूल गए ना? अच्छा कृष्णा वेनी, वो दोनों तेल के पैकेट पाटिल को दे दो। ये लीजिए पाटिल जी। हाँ। एक गोल्डन ईगल का तेल है और एक नंदी ब्रांड है, इनमें से मिलावट की मात्रा मालूम करनी है। क्यों वकील साहब, बेईमानी के पैसे से ईमानदारी बिक चुकी है ऐसा लगता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नंदी का तेल शुद्ध है और गोल्डन ईगल कुकिंग ऑयल कंपनी के तेल में 40% लिक्विड पैराफिन की मात्रा पाई गई है, मतलब कृष्णा का इल्जाम सही है। देवी शेट्टी को तुरंत कस्टडी में लिया जाए। ये सर ये गलत है, आप कैसे? जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती, गोल्डन ईगल कंपनी और उसमें बने प्रोडक्ट को सीज कर दिया जाए। पूरे देश में गोल्डन ईगल कुकिंग ऑयल की बिक्री पर रोक लगा दिया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। बिजनेस टाइकून देवी शेट्टी को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी के तेल में पैराफिन की मात्रा ज्यादा पाई गई है। अब तुझे दिखाऊंगा कि देवी शेट्टी कौन है। वो कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो तुझ पर फिट बैठती है। मुझे इरफान अली समझा है। जानता है जब तक समंदर शांत रहता है ये पूरी दुनिया बड़े चैन से सोती है, लेकिन जब उसका सब्र टूटता है तो सुनामी बन के कहर बन जाता है। ए कैडबरी, आई लव चैलेंजेस बोलता है ना, जा जेल की कोठरी में उनको सुनाना। क्या रे रेडी, आजा।
मेरे लिए क्या पैकेज सोचा है भाई? अच्छा ये बताओ, कैसे पता चला कि मैं और देवी एक ही साथ हैं? जब तूने मुझे भाई बोला तभी समझ गया था कि तू कोई गधा वधा नहीं बल्कि गधे से भी गया गुजरा है। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है ना, एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन असली सुल्तान वही होता है जो दूसरों को सुल्तान बनाता है, उनकी मदद करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन और अच्छी तरह समझ भी ले। विलन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? हीरो की। आया 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 सबका है ये बॉस, शेर है देखो यारो ये है सबसे खास, सभी तो माने इसको सबसे तगड़ा बॉस। He's right, he's boss. क्या नहीं होगा ये? कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। भाई भाई एक मिनट एक मिनट। क्या है? बस एक जानकारी चाहिए थी। एक रुपए का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, 50 और 100 रुपए का कूपन स्क्रैच करके अपना फोन रिचार्ज करते हैं। आपने उसी एक रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके कंपनी को स्क्रैच करके स्क्रैप बना दिया उसे। कैसे कर लिया भाई? ये सब मेरा नहीं तेरा किया हुआ है। मैंने किया कृष्णा, तुम जिस इरादे से अपना गाँव छोड़कर यहाँ मुंबई में आए थे वो आज पूरा हुआ। अभी पूरा नहीं हुआ दादाजी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। देवी, जो लड़का गांव में कंचे खेला करता था उसे तुमने शहर बुला लिया फुटबॉल के लिए, और अब वो गोल पे गोल किए जा रहा है भाई। उसे लग रहा है कि मुझे जेल भेजकर वो जीत गया है, लेकिन फिलहाल वो जेल में तो बंद है, लेकिन सिर्फ मिलावट के केस में। लोअर कोर्ट में हार गया तो हाई कोर्ट में अपील करेगा, अगर वहां भी हार गया तो सुप्रीम कोर्ट जाकर बेल तो ले ही लेगा और दोबारा वही बिजनेस शुरू करेगा। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे गांव तक भी पहुंच जाएगा। अब हमें उसके बिजनेस और पूरे साम्राज्य को जड़ के साथ खत्म करना है। जिस आदमी को अपने पैसे पर घमंड हो उसे जड़ से बर्बाद करना इतना आसान नहीं। देवी, उससे उलझना आसान नहीं है, उसने पहले से ही हमारी कब्र खोद रखी है। और सुनो, ये पता चलने के बाद कि हमने ही इरफान अली को मारा है, वो और गहराई में जाकर सबूतों को ढूंढेगा। कैसे हो सदाशिव हेगड़े? मेरा बेटा किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा था, उसका कत्ल हुआ था। उसका जनाजा मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं, लेकिन अब उसके उस अधूरे काम को पूरा करना है। खुदा ने मुझे एक और बेटे से नवाजा है। अल्लाह तुम्हारा निगहबान बनेगा कृष्णा। भैया क्या है? भैया इरफान अली का बाप शौकत अली कृष्णा के पास चला गया है। देवी तू डर मत, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। डब्बे वाले हाउस से सभी को बुलाओ और मेरे गोदाम पर लेकर जाओ। आज रात को मैं यहां से फरार हो जाऊंगा। ये देवी शेट्टी आज तक कभी नहीं हारा है और ना ही कभी हारेगा। ये तो अकेला ही बैठा है, यहां जो थे सारे के सारे कहां गए? छोड़ूंगा नहीं। डॉक्यूमेंट्स दे दे। ए रेड्डी, गन दिखा रहा है फिर भी तू कांप रहा है? तेरे पास भी तो कुल्हाड़ी है। हाँ तो गन फेंक और ले ले। मैं तेरे सारे टैलेंट से वाकिफ हूँ, इल्जाम तेरे सिर पर था, लेकिन सलाखों के पीछे कोई और खड़ा है, मुझसे मत खेलना। डॉक्यूमेंट्स दे दे, चला जाऊंगा मैं यहाँ से। कैप्टन, चेक कर। भाई इंग्लिश में है, नो रीडिंग। इंग्लिश ऑक्सफोर्ड लेवल। ओ तो पढ़ के दिखा। अनपढ़ चोर, खोल इसे। गांधी जी मर गए भाई, महात्मा गांधी मर गए। महात्मा गांधी मर गए और क्या भाई?
महात्मा गांधी को मरे 70 साल हो गए। आगे पढ़ आगे। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। भाई इंदिरा जी भी मर गई। इंदिरा जी आपका अबे ओए, उनको भी मरे 34 साल हो गए। अगला देख, इसको ज्यादा देर तक रोकना मुश्किल है। हैप्पी न्यूज, HD देवगौड़ा बन गए हैं भारत के 11वें प्रधानमंत्री। बधाई हो। अबे कैप्टन, तुझे डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा था, पुराने न्यूज़पेपर क्यों पढ़ के सुना रहा है ये? हेलो, क्या हुआ देवी? यहाँ ना तो डॉक्यूमेंट्स हैं और ना ही डब्बे वाले, सिर्फ कृष्णा है यहाँ। गोली मार दूं क्या इसे? मुझे पता है उससे डॉक्यूमेंट कैसे हासिल करने हैं। सबसे पहले तू वहाँ से निकल। ये तुम क्या कह रहे हो देवी? तुम नहीं चाहते इसे मारूं? उसकी तरफ ध्यान से देख, तू उसे मार सकता है क्या? एक मिनट, थोड़ा रिस्की तो है, डाउट है। मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप सुन, निकल वहाँ से। कूल भाई, चलता हूँ। भाई भाई, रख दे पेटी वहाँ पे। कैप्टन, ये तो गया यहाँ से, लेकिन इसके बाद जो भी आएगा मैं देख लूंगा। कृष्णा, लेकिन तुम अकेले? खतरों से खेलना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम जाओ यहाँ से। आपको यहां आने से मना किया था, क्यों आए हैं यहां? आप अकेले आए हैं? जब भी कोई समस्या आती है, कृष्णा बचा लेता है। जो बच्चा बचपन में कंचे से खेला करता था, आज वो मुंबई में अपनी कंपनी जमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बैठ जा। बचपन में तुम क्या कहा करते थे? कावेरी भी मेरी है और बेंज कार भी मेरी है। कावेरी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये तुम्हें कौन बताता था? कोई मुझे फोन करके बताता था। मतलब आप? हाँ मैं। कृष्णा कावेरी हमेशा एक साथ रहे, मैं ये चाहता था। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अभी सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे। अगर मैं सो गया, सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा कृष्णा। इस शरीर को दफनाने का समय आ गया है। नायक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए। उन्होंने मुझे इंजेक्ट किया है जिंक फास्फेट से, चूहा मारने का जहर। एक बार शरीर में चला गया तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आदमी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। उसने मुझे तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भेजा है, यही उसका प्लान था। अगर मैं डॉक्यूमेंट लेकर नहीं पहुंचा तो कावेरी, कृष्णा तुम वादा करो, तुम कावेरी और गांव वालों की रक्षा। नायक जी, Thank you.
अगर ये काम तुमने पहले ही कर दिया होता तो एक जान बच जाती, जाने अनजाने उसकी मौत का कारण तुझे ही माना जाएगा। ओए कृष्णा, तू क्या सोच रहा था कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा तो इसे जिंदा छोड़ देंगे? अब ना तो ये बचेगी और ना ही तू बचेगा। अब इसे छोड़ दे या मार दे, लेकिन तुम सब जरूर मरोगे। अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे। अब तुझे सीधे ऊपर पहुंचाना है, बचेगा नहीं तू। Thank you.
ब्रेकिंग न्यूज, नंबर वन एडिबल ऑयल कंपनी गोल्डन ईगल के सीईओ मिस्टर देवी शेट्टी एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए हैं। लीडिंग ऑयल कंपनी नंदी ब्रांड के मालिक मिस्टर कृष्णा यही हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। कृष्णा, आप गांव से शहर आए और इंडिया की नंबर वन ऑयल कंपनी को जीरो बना दिया आपने, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे शहर के करोड़ों लोग मेरे साथ खड़े थे। ना किसी ने यहाँ जन्म लिया और ना ही यहाँ का कोई है। भारत के हर गांव में किसान, सोनार, जुलाहा, दर्जी, बढ़ई, कुम्हार, ये सभी अपने परिवार के लिए जीते हैं। सभी अपना पेट पालने के लिए इस मुंबई शहर में आते हैं, लेकिन अब अपने गांव, अपनी मिट्टी को छोड़कर आधे पेट खाकर इस शहर में रहते हैं। कोई क्लीनर बनता है, कोई मजदूर बनता है, कोई कचरा उठाता है, कोई झाड़ू कटका करता है। और जानते हो वो ऐसा क्यों करते हैं? जानते हो, कुछ कोला कंपनियां आ जाती हैं, तो होता क्या है, हमारा देसी कलर सोडा खत्म हो जाता है। टूथपेस्ट की चार कंपनियां क्या आ जाती हैं, हमारा पुराना दंत मंजन का व्यापार खत्म हो जाता है। इसी तरह मिलावटी तेल कंपनियों ने भारत में आकर सैकड़ों तेल कंपनियों को बर्बाद कर दिया। जो हुनरमंद है वो गुलाम हो गए, और जो छोटे मोटे दलाल हैं वो मालिक बन गए। हम गांव वाले एक आम आदमी हैं, स्वाभिमान ही हमारी संपत्ति है। जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें उनका अधिकार वापस मिलना चाहिए और इन दलालों को खत्म करना चाहिए। ये सच्चाई की चिंगारी हमारे सभी गांव के घरों को रोशन कर सकती है। हम जहां पैदा हुए, हम जहां बड़े हुए, हमारे बच्चे भी वहीं रहे। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए मालिकों को उन्हें साथ में लेकर तरक्की करनी चाहिए।